आरम कर ले। तो दोस्तों गंडे काटते काटते जी हम यहाँ तक आ गए हैं, खम्बे से आगे तक ये रह गया है जी 1-1.5 घंटे का काम। लेकिन दोस्तों कोई ना कोई आ जाता है बीच में। अब पहले भी दोस्तों ट्रैक्टर चलवाना पड़ा मुझे थोड़ी देर, फिर अब बबलू भाई का ये करवाते हैं। पर दोस्तों कर देंगे हम रोटी के टाइम तक, इसे पूरे 0-18 को काटने का प्रोग्राम है हमारा। ये दोस्तों फिर छुलता रहेगा क्योंकि हमारी जो है 2-3 लेबर भी कम है, तो उसी हिसाब से देखेंगे अभी से किस तरह से होगा जी। यहाँ से पूरी निश्चित चौड़ाई लेंगे इसकी। दोस्तों ये देखें जी, पंखे खोल दिए हैं जी पूरे, कितनी चौड़ाई बैठ रही है। देखो जी बबलू भाई ने फित्ता भी निकाल लिया है, तो 64 चोंच देखो जी, 64 चोंच है जी। ना ना वहाँ अंदर अंदर पकड़ो, ना ना मुझे पकड़ाओ, मुझे पकड़ाओ, मैं देखूंगा ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, चलो जी 59 और 60, 5 फीट। हाँ जी 5 फीट, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा है अगले साल अगर बाई चांस पेडी भी जोतनी पड़ जा तो उसमें बेनिफिट रहेगा। और देखने में ऐसा लग रहा जाना 20 फुट की चौड़ाई बैठ रही हो। तो दोस्तों बैलिस भी देखो कम रह जाती है जब पेडी भर भर आके चलती है। देखो जी इसमें हमने बीज की वजह से दवाई नहीं डलवाई, तो जिसे खा गई जी एकदम से सुंडी बुरी तरह से। बोलू भाई चले गए अभी से ले गए। ये देखें जी 4x4 अब ट्रेंचर चलाएगा खेत में। स्टार्टिंग देखो जी कितना साइलेंट है इसका, कितना बेहतरीन है, कितना बेहतरीन है, आराम से आराम से। टूट ना जाए, कभी टूट जा, 4x4 कर ले भैया, और फायदा क्या है। हाँ ये बात यार, मट्टी भी चढ़ा दे भैया डोले पे गैल की गैल, बहुत बढ़िया। हाँ 2 बार लाई है भैया, 2 बार आगे से देख परे को, ये दोबारा भी लाई होंगे से। चल एक बार चल, दोस्तों एक बुग्गी मट्टी तो एक बार मिलेगी जी ठाक अपने साथ। दोस्तों मैं जो है यहाँ बैठ लिया हूँ जी, 2.5 के यूरिया के कट्टे रखने पड़ते हैं उसकी जगह। अब देखें जी गिल्ले में बहुत ही बढ़िया खूड़ आ रहे हैं जी, और जो हम चाह रहे हैं कि गहराई भी पूरी मिले और जो है नीचे की पीली मिट्टी भी ना दिखे। देखो जी पीली मिट्टी अब कम दिखने लगी है क्योंकि इस खेत की मिट्टी पलटी हुई है, और जो है हल्का हल्का सा लेजर का पेंट भी छूट रहा है, जगह जगह लाल लाल मिट्टी पर लग रहा है। तो ये देखें जी बहुत ही बढ़िया गहराई मिल रही है, और मिट्टी ऊपर की खतीली मिट्टी नीचे भी गिर रही है, ये भी बेनिफिट है। तो मुझे ऊपर बैठना पड़ा जी। देखो 1, 2, 3, 4 खूड निकल रहा है, फिर इसमें आएगा बराबर दूरी आएगी जी, ऊंचाई बहुत ले ली है। गहराई दोस्तों इसीलिए लेके चल रहे हैं जिससे कि मिट्टी कम चढ़ानी पड़े। पिंग टोंग देखते हैं जी फॉर्मूला कैसा रहता है, कामयाब रहता है कैसा रहता है इस खेत में। दोस्तों अब तक तो कभी पैदावार कम हुई नहीं, हमेशा अच्छा ही पैदावार हुई है। और बबलू भाई जो है सेटिंग देख रहे हैं, दूसरे खुड्डों की गहराई नाप रहे हैं, बाकी सेंसिंग देखें जी। बहुत ही मतलब बेहतरीन सेंसिंग कर रहा है जी, देखो बिल्कुल 4x4 में लग के चल रहा है, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। दोस्तों कमाल देखो जी, गिल्ले खेत में भी पैर जलने लगे हैं, लेकिन ऐसे करता हूँ तो नहीं जलते हैं। तो आप कमाल इस बात का देखो कि अगर गिल्ले खेत में भी दोपहर के एक बजे में पैर जल रहे हैं, तो सूखे खेत में क्या हाल हुआ होगा किसान भाइयों का जिन्होंने सूखे खेत में जुताई करी है। क्या उनके मशीनरी के टायरों पर बीतती होगी, क्या उनकी मशीनरी धूल में हुई होगी, क्या वो ड्राइवर बेचारा धूल झेल ली होगी उसने। तो जी देखें ये है, कटिंग ले लिया है, अब जो है इस तरफ से दूसरी तरफ जाएगा जो ट्रैक्टर है। बहुत बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी है जी, बहुत ही हाईटेक मशीनरी है। और इसका जो मॉडल है, जो चेहरा मोर है ट्रैक्टर का, बिल्कुल रशियन ट्रैक्टर की तरह लगता है जी। तो एक भाई ने मॉडिफाई करवा कर रशियन टैंक लिखा था उस पर, बहुत आगे अच्छा फ्रेम लगवाया था और बहुत ही अच्छा डीजे भी लगवाया था रशियन टैंक के नाम से। आप उसे जो है नेट पर सर्च भी कर सकते हो।
तो यही ट्रैक्टर है जी, बहुत बहुत शानदार टेक प्लस। तो दोस्तों हमारे जो है छोला तो चले गए हैं, आज कोई ज़्यादा तो था नहीं, मोनी वो सोनी और मिंदर थे, बाकी तो दोस्तों सभी इधर उधर ही हैं गायब। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, हमें एक कूड़ तो बीच में बोना ही नहीं है, थोड़ा बीज करना है, थोड़ी बुआई करनी है, 3.25 बीघे खेत है जी। हाँ जी हाँ भी करता हूँ दोस्तों। देखो जी यहाँ तो हमें दोरे पे तो कूड़ बनाना पड़ेगा जी चोटे फावड़े से, बाकी पीछे जगह छोड़ देंगे 10-12 फीट की। दोस्तों इसमें रास्ते में इसलिए नहीं मिला है, दोस्तों मैं नीचे आ गया था जी, कूड़ निकल ले जी, बहुत बढ़िया दोस्तों इसमें 20-21 कूड़ आ गई है। और देखो जी ऐसा लग रहा है मट्टी पलट रखी हो दोरे पे, दोस्तों वहाँ एक जो है जैसे बुग्गी उग्गी ना ज़्यादा घुसे नुकसान ना करें, तो एक खूड़ बना देंगे जी छोटे फावड़े से, उसे मिला देंगे और फिर यहाँ जगह छोड़ लेंगे, यहाँ तक ट्रैक्टर की कुबोटा की लंबाई देख लेंगे दोस्तों, यहाँ तक मेरा पैर है, आराम से घूमता रहेगा बीच बीच में। और जल्दी जुताई शुरू करेंगे, ज़्यादा घास नहीं होने देंगे इसमें, बाकी दोस्तों एक दोपहरी में इसीलिए निकाल के छोड़ दें कि जो बताने वाले भी हैं वो ये बताते हैं कि खेत में अगर फलेवा कर दी हो तो खूड़ जरूर दोपहर में निकाल लो और दोपहर में ही बुआई करो। तो दोस्तों बुआई तो हमारी शाम को होगी, लेबर घर चली गई थी, अब हम चल रहे हैं फटाफट, बबलू भाई भी लेके चल रहे हैं। देखो जी इसमें तो जी धार आ गई बहुत तकड़ी, ये बहुत ही हैवी जुगाड़ हो रहा है, ये देखा जी अब चल रहे हैं फटाफट, बबलू भाई से लेकर चलेंगे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है जी आँख मीच के। मैंने तो दोस्तों ट्रेंचर पर पहली बार ही ट्रैक्टर चलाया, आज से पहले मैंने ट्रेंचर पर ट्रैक्टर नहीं चलाया था, इधर तो दोस्तों थोड़े ज़्यादा टेढ़े मेढ़े से आ गए, उधर खूड़ सही आए क्योंकि हम भी नए हैं तो ये टेढ़े मेढ़े हो गए। दोस्तों यहाँ से ऐसा कर दूंगा थोड़ा ठीक सा, जगह जगह कर दूंगा थोड़ी फिनिशिंग सी, लेकिन दोस्तों ज़्यादा सीधे सही नहीं रहते, नज़र लग जा। ट्रैक्टर चला गया है जी खूड़ निकाल के देखें, और दोस्तों जंगल में चुई का बच्चा नहीं है जी, हवा ही चल रही है बस पूरब की तरफ से, बहुत ही भयंकर हवाएं जिंदगी को बेजार कर गई। अब चलते हैं जी मोटरसाइकिल के पास, तो ये देखें जी एक फोर्ड जा रहा है जी 3600 दाबादाब, बहुत साफ कर लिया दोस्तों। मैं इस तरफ आ गया था, अब इसे चक्रोड़ की तरफ फिर से पानी करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब खाद डालते हैं तो 2-3 दिन तक पानी करना ही पड़ता है, बाकी इन्होंने भी यहाँ डोज लगवा दी है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सुंडी का प्रकोप आपका ज़्यादा है, सुंडी इतने ज़्यादा पत्ते खा रही है कि गन्ने के खेत के खेत बैठा दिए जी, इसलिए आप जो है जो साइपर है और जो एमिडा और जितना भी आपका थाइमोक्सोम और जितने भी कार्टप रिजेंट फर्टेरा ये जितने भी नाम है आप इन्हें सारों को यूज कर दो, नहीं तो खेत के खेत खत्म हो जाएंगे इसमें दोस्तों, सही टाइम पर दवाई गिर गई, नहीं तो देख लो इतना बड़ा पोगा था ऐसे को तो सुंडी और भी ज़्यादा कैडा करके खावा है, कुछ हमने अपने हाथ से छोड़ दिया था। तो दोस्तों पानी इस तरफ कर देंगे, वो साइड 1335 की साइड भर गई है जी, यहाँ आ गए हैं जी देखें, और ये जो आपको हरी हरी पटड़ी चमक रही है जी, वैसे अभी थोड़ी सी इसने ट्रेंचर ने मिट्टी लगा दी है, ये थोड़ा सा मुझे खूड़ गहरा करना पड़ेगा, फावड़े से थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी, डबल पैंडा रख देंगे इस तरफ में, थोड़ी जगह ज़्यादा छूट गई है। लेकिन दोस्तों मिडल सेंटर से आप देखो हमने बिल्कुल नहीं काटी, जो पहिए के बराबर में पटड़ी है हमने बिल्कुल नहीं झांगा उसे, क्योंकि दोस्तों चक्रोड़ है बढ़िया तो चक्की वैल्यू है, नहीं तो जहाँ रस्ते नहीं और चक्रोड़ नहीं वहाँ किसान जो है काम करते हुए रोवे हैं। तो ये है जी अब इसमें लगेंगे, शाम से थोड़ा सा गन्ना काटना रह रहा है, बाकी उन्हें छोल छाल में लगाऊंगा, बीज में बोने वोने मैं लगूंगा दोस्तों अपने फावड़े के काम में। तो ये देखें जी बबलू भाई ने इन्हें खजूर वगैरह को पानी दे दिया था दोस्तों, पेंटर आ नहीं रहा अभी, घर में भी थोड़ा सा काम रह रहा है, बाकी एकदम ही दोस्तों मिस्त्रियों को लेकर मंडेगा, बबलू भाई कह रहे हैं कि एकदम से ही लगेंगे, इसे भी रिपेयर करवा देंगे सारे सिस्टम को। तो जी अब इस तरफ खोल के चलते हैं, ये देखो जैसे गायें बिजारों ने यहाँ से तोड़ दी थी थोड़ी सी, वो फिर वहाँ यहाँ गिद्दड़ ये जो है गिदड़िया भी आ रही है इसमें, अब जब तक इसके बच्चे हैं जब तक हमें बहाना बढ़िया मिल रहा है रिपेयर ना करवाने का, तो ये दोनों वाल खोल के चलते हैं उधर से बंद कर देंगे, पिड्डी बढ़िया हो रही है जी आपकी। दोस्तों यहाँ मैं आपको कुदरत का एक और नमूना दिखाऊंगा जी, पानी तो खुल गया है जी, ये वाल भी खुल गया वो भी खुल गया, ये देखो जी पेड़ की जड़ में ये जो आँख है ये झुंडा पता नहीं कब से हो रहा है यहाँ, जब से इस खेत में कभी 38 बुआ था पता नहीं ये ऊपर रखा गया हमसे कैसे हुआ जी, देखो पेड़ है और देखो जी पेड़ की जड़ में अब खूब बढ़िया हो रहा है जी, अब की बारी भी इसमें जो थे 8-10 गन्ने हो गए थे दोनों साइड में, और ये बढ़ ही रहा है जी देखो, हर साल मैं भी इस पर मिट्टी लगा देता हूँ, ये शायद मैंने आपको पहले दिखाया था, ये देखो जी और ऊपर है देखो कहाँ से ये नीचे से पानी खींच रहा है, कभी कभार वैसे हम छिड़क भी देते हैं इस पर पानी, लेकिन आप कमाल देखो जी कुदरत को जहाँ जो देना होता है कुदरत देती है, जो नसीब में है वो मिलता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कोशिश करने की बात है,
कोशिश बहुत बड़ी चीज है। ये देखो ये बिल्कुल यहाँ पत्थर के नीचे झुंडा हो रहा है जी, यहाँ पेड़ी का कभी का ये झुंडा दब गया होगा, यहाँ काफी हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कहते हैं कि पेड़ की छेल में नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता है। दोस्तों कोई साल पहले जब यहाँ 38 बुआ था, ये तभी का झुंडा यहाँ पता नहीं कैसे कैसे रखा गया, जैसे मिट्टी विट्टी रखी होगी उसमें। दोस्तों देखो आज भी 0238 वरायटी में, 0239 में इतना जर्मिनेशन है कि अगर आप समय रहते इसे पाल लें, पाल परवश कर लें इसकी, तो देखो जी पेड़ी तैयार है बिल्कुल। ये देखो जी कितनी ऊंचाई हो रही है, अगर मैं ऊपर खड़ा हूँ नाली पे, देखे जी ये जो है बरसात के पहले झटके में ही, आप ये देखो जून जून जुलाई के बीच में बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगी पेड़ी। 13235 थोड़ी कम स्पीड से बढ़ता है, बाकी सर्दियों के बाद में पकड़ता है। ये वरायटी देखें जी इधर, ये सारी वरायटी टॉप चल रही हैं, कुछ इनके बीच में मरचिल्ली वरायटी भी हैं, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सब। परवाड़ा सब ठीक ठाक रखे जी, अब लगेंगे काम पर। अब दोस्तों इस पानी को बंद कर देंगे जी, ये 13235 सारा डूब गया है, बहुत बढ़िया, आधा खेत पूरा बढ़िया भर गया है, अब उधर चलता रहेगा, इसे हम बंद करके चलेंगे। बैठ गए हैं मोटरसाइकिल पर, लग गई है केक, हो गई है स्टार्ट, चल रहे हैं घर। इसमें बबलू भाई ने कर दिया था रोटावेटर टिंग टोंग, पहुंच गए हैं घर। अंशी एंड अंशिका आज ट्रैक्टर पे ही बैठ कर आए हैं, टेक प्लस पे। ये देखें रशियन मॉडल ट्रैक्टर है जी, कंपनी महिंद्रा का 4x4। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। लास्ट में एक बात कहेंगे, दिल की बात है, पहले आप दूसरों के लिए कुछ अपनी तरफ से करिए, जब उन्हें अच्छा लगेगा तो फिर वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो ये एक हिंट है, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें कि मैंने क्या इशारा दिया है। टिंग टोंग चुली बोली।